हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन ऑटो कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने मारुति सुजुकी नेक्सा की फ्रॉम सीएनजी वेरिएंट सबसे बेस वेरिएंट लेके आया हूँ आपके सामने सिग्मा। तो भाई जिनको चाहिए भाई अपने सीएनजी में फ्रॉम, भाई कहते हैं कि भाई अब बाकी सब चीजें तो एसेसरीज वगैरह हम एसेसरीज में लगवा लेंगे या बाहर से लगवा लेंगे या डीलर से लगवा लेंगे, बस हमें खाली कार चाहिए। तो ये गाड़ी उनके लिए बन जाती है, सबसे अच्छी माइलेज देती है। इसमें आपको बेस वेरिएंट में भी आपको बहुत अच्छे फीचर मिल जाते हैं, मतलब एसेसरीज में ना लेने के बाद भी आपको हील होल्ड असिस्ट मिल जाता है। इसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है। 8,41,500 के शोरूम प्राइस पड़ जाती है। इसमें बहुत से ऐसे फीचर मिलते हैं और माइलेज कितनी देगी वो भी बताऊंगा आपको। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ मिल जाता है आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि हाई बीम और लो बीम में यही वर्क करेगा। और यहाँ पर कुछ हाउसिंग मिल जाती है ब्लैक में, अपनी देखते हैं यहाँ पर। और नीचे का कुछ सिस्टम ये मिल जाता है, पूरे इस तरीके से पूरा हेडलैम्प मिलता है, जो कि फॉग लैम्प की जरूरत है नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई हेडलैम्प की जो है ना मतलब नीचे ही आ चुकी है। और यहाँ आपको मिल जाता है भाई ये हेलोजन में मिलता है इंडिकेटर, और यही आपको पायलट लैम्प देखने के लिए मिल जाएगी भाई। और थोड़ा सा आपको क्रोम में मिल जाता है ये वाला सेटअप भाई यहाँ पर, ठीक है। ये मिल जाता है, पूरी ग्रिल आपको ये मिलती है। और नीचे की तरफ चले भाई तो आपको सेकेंडरी ग्रिल और नीचे सिल्वर में स्कीड प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी, नंबर प्लेट का ऑप्शन ये मिल जाता है। तो भाई ये है पूरी इसकी फ्रंट प्रोफाइल। तो अब चलते हैं भाई साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में ले चलता हूँ आपको। तो यहाँ पर चलते हैं भाई, व्हील कैप मिल जाता है साथ में टायर के, जो स्टील रिम है इसकी जो प्रोफाइल मिलती है वो जो टायर हमें मिलता है भाई वो मिलता है ये 195/60R16 16 इंच का हमें ये टायर मिल जाता है व्हील कैप के साथ में। ब्लैक पेंटेड हमें मिलते हैं स्टील रिम, जो कि आपको बाहर से करवाने की जरूरत नहीं है। सस्पेंशन ट्रेवल भी देख सकते हैं और ग्लाइडिंग आपको चारों तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। फेंडर में मिलता है आपको बल्ब में आपका ये इंडिकेटर, ये है इसकी पूरी साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप की। और ये हमें ORVM मैनुअली मिलते हैं सारे, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी चीज में अपना ये सेट कर दिया अंदर का, बस खाली ओपन करना है आपको, ये झंझट नहीं है बार बार सेट करने की। तो ये चीज इसमें अच्छी मिल जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो कुछ ये मिल जाती है आपको, पूरी रूफ रेल ब्लैक में मिलती है भाई, ये सिग्मा वेरिएंट है। और जो डोर हैंडल है वो भी ब्लैक मिल जाता है आपको, बाकी नीचे चारों तरफ को ग्लाइडिंग मिली रही है। तो साइड प्रोफाइल की बात कर लिए भाई, ऊपर मिल जाता है आपको शार्पिन एंटीना पूरा पूरा ये देख सकते हैं। तो रूफ रेल भी आपको ये मिल जाएगी, हाई माउंट और स्टॉप लैंप देखने के लिए मिल जाती है, सुजुकी का लोगो। ये है पूरी इसकी रियर प्रोफाइल। कनेक्टेड टेल लैंप फंक्शनल नहीं मिलती है आपको, मतलब ये जलेगी नहीं, बाकी लुक में जबरदस्त लगती है देखने में। और पीछे मिलते हैं भाई 1, 2, 3, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड प्लेट मिल जाती है ब्लैक में कुछ, ये सेटअप मिल जाता है। रिफ्लेक्टर यूनिट मिल जाएगा पूरा, और रिवर्स पार्किंग लाइट भी यहीं वर्क करेगी और इंडिकेटर भी अपना यहीं वर्क करेगा। डिफ्यूज फॉर्म में ये मिल जाते हैं अपना। और सिग्मा वेरिएंट में भी आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई, ये मिल रहा है डीफॉगर और ये है सीएनजी वेरिएंट। चलिए आप दिखाता हूँ मैं इसकी चाबी आपको, चाबी इसकी जबरदस्त मिल जाती है भाई। तो देखो सिग्मा वेरिएंट में भी हमें चाबी जो मिलती है ना वो ये मिलती है भाई, कुछ उजाले पे लेके आओ तो रिमोट की मिलती है और एक मिलती है हमें मतलब दोनों ही रिमोट की मिल रही है, जो कि लॉक अनलॉक फंक्शन के साथ में आ जाती है। फिजिकल की मिल जाती है, सेंट्रल लॉकिंग तो है, मतलब लगी हुई है इसमें पहले से ही, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई भाई। चलते हैं भाई फ्रंट डोर की तरफ। तो फ्रंट डोर कुछ हमारा इतना ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये अब चलते हैं भाई यहाँ पर। तो ये मिलती है भाई आपको, ये देख सकते हो ये सॉफ्ट टच मिल जाता है। सिग्मा वेरिएंट में भी यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, चारों पावर विंडो मिल जाती है इसमें, ठीक है। और ये मिल जाता है हमें मैप पॉकेट, बोतल होल्डर, और चारों स्पीकर नहीं मिलेंगे इसमें, ये आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे, मतलब आपके डीलर से या फिर अपना जैसे भी आपको सेटअप सही लगे। बाकी यहाँ पर कुछ ड्यूल टोन में अपना डोर ट्रिम देखने के लिए मिल जाता है, ये मिल जाता है ब्लैक में हमें, डोर ओपनर, डोर लॉक, ठीक है। और चारों पावर विंडो मैंने दिखा दी, सेंटर लॉकिंग का वर्क यही करेगा। चलते हैं भाई खांसी आ गई, हाँ। तो भाई चलते हैं हमारे सीट की तरफ। तो फैब्रिक में सीट मिलती है भाई, जो कि बकेट में है, जबरदस्त हेडरेस्ट मिलते हैं एडजस्टेबल, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। और पीछे भी आप सिग्मा वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल ही मिल रहे हैं भाई। चलो भाई अंदर चल के बात कर लेते हैं, अंदर आ चुका हूँ भाई। तो अंदर चल के हम लोग देखते हैं भाई, मतलब अंदर चल के क्या, अंदर आ चुका हूँ। यहाँ आपको दो एयरबैग मिल जाएंगे यहाँ पर, और ये स्टेयरिंग कुछ स्टैक का मिलेगा, नीचे से फ्लैट मिल जाता है पूरा, सुजुकी का लोगो जो कि क्रोम में आप देख सकते हैं। और कोई मीडिया कंट्रोल वगैरह नहीं मिलने वाला है, और जो हॉर्न है वो यहाँ से काम नहीं कर रहा, बीच में से ही करेगा अपना, ठीक है। अब चाबी लगा के देख लेते हैं भाई अपने,
हाँ तो भाई चाबी लगा के मैंने देख लिया है, तो ये मिल जाता है हमें कुछ इस टाइप का, हमें क्या ये मिल जाती है MID डिस्प्ले, जिसमें हमें CNG गेज और अपना पेट्रोल गेज दोनों देखने के लिए मिल जाएगा, ओडोमीटर देखने के लिए मिल जाएगा, स्पीडोमीटर ये रहा, RPM मीटर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का मिल जाता है, और ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह की, और इसकी MID की सेटिंग करने की, टाइम वगैरह की, तो यहाँ पर ये सेटिंग मिल जाती है भाई। तो ये मिल जाते हैं हमें, क्या है ये मिलता है भाई हमें वाइपर स्टॉक और ये हेडलैम्प के स्टॉक। तो कुछ इंटीरियर हमें इस टाइप का मिल जाता है भाई यहाँ पर, ये देख रहे हो ड्यूल टोन में ही मिल रहा है हमें, ये ब्राउनिश रेडिश करके, और यहाँ पर क्रोम जो मतलब सिल्वर में है, ये क्रोम नहीं है, ये मिल जाता है यहाँ पर, वो टेक्सचर देखने के लिए मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं पास से, और ये पूरा एसी वेंट यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ सेंटर में चलते हैं तो भाई आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है यहाँ पर ये डिस्प्ले, ठीक है। तो ये सेंटर वो अपना हिजार्ड लैम्प, IRVM आपको जरूर डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ मिल रहा है मैनुअल, और ये मिलता है हमें क्या है ये है सनवाइजर, यहाँ भी सनवाइजर जो कि बिना टिकट होल्डर के साथ मिल रहा है यहाँ पर, और जो AC के कंट्रोल है वो मैनुअल मिल रहे हैं, वो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो इस टाइप के, ठीक है। और ये मिल जाता है 5-speed गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, ये पूरा गियर बॉक्स, और टेक्सचर मिल जाता है पूरा इंटीरियर, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त लग रहा है देखने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिलता है हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा इसमें, और चलते हैं अभी ग्लव बॉक्स की तरफ। तो ग्लव बॉक्स कुछ ये मिल जाता है, और ये सिल्वर में आपको ये मिलती है भाई यहाँ पर, कुछ डिजाइनिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स जो कि सॉफ्ट फोल्डेबल रहते हैं भाई जबरदस्त। और क्या रह गया यहाँ पर, अच्छा हाँ ये बता दूँ आपको, ये मिलता है मोबाइल स्पेस, और ये मिलता है दो कप होल्डर यहाँ मिल जाते हैं, बाकी स्टीयरिंग देख लेते हैं, टिल्ट ही मिलता है इसमें, चलो ये भी अच्छा है कि सिग्मा में आपको टिल्ट एटलीस्ट मिल रहेगा, और तो कुछ रह नहीं गया है। अब दिखा दूँ मैं आपको एक चीज़ और, यहाँ पर आपको ABC पैडल ये मिल जाते हैं, और डेडिकेटेड डैट पैडल का ऑप्शन वो देख सकते हैं भाई, ज़बरदस्त है ना। तो ये चीज़ मिल जाती है यहाँ पर, अपना ये थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, फ्यूल कन्वर्टर मिल जाता है इसमें, और इसमें आपको हील होल्ड असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये पूरा ये अपना फ्यूल टैंक कैपेसिटी मतलब फ्यूल टैंक ओपनर मिल जाता है। तो ये मिल जाता है पूरा इसका इंटीरियर, ठीक है। अब चलते हैं अपने रियर केबिन की तरफ, तो रियर केबिन में चलने से पहले भाई गाड़ी बंद कर देते हैं ताकि बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, आते हैं देखते हैं और गाड़ी चालू कर करके चले जाते हैं और बैटरी डाउन हो जाती है, वो जिसकी वजह से जो ही कस्टमर आता है तो वो बेचारा नहीं देख पाता है। तो चलते हैं भाई रियर केबिन की तरफ, तो उसकी डोर ट्रिम में आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी डोर ट्रिम में भी यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है, फैब्रिक टच मिल रहा है देखने के लिए, या मैप पॉकेट और बोतल होल्डर और स्पीकर ग्रिल मिल रही है, स्पीकर नहीं मिलेंगे, ये मिल जाता है हमें यहाँ पर, डोर ओपनर डोर लॉक जो कि इस टाइप का मिल जाएगा, और ये मिल जाती है सीट जो कि हेडरेस्ट आप देख सकते हैं पीछे फिक्स्ड है, मतलब फिक्स नहीं है, एडजस्टेबल है, ये कुछ ऐसे वो इक्विपमेंट पड़े हैं इसके साथ में आएंगे, ठीक है। तो सीट देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है कुशनिंग में, यहाँ पर आपको ये स्पेस मिल जाएगा, ये स्पेस मिल जाएगा, नीचे पीछे ही 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, और आगे भी 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम थोड़ा सा है यहाँ पर, और लेग रूम नी रूम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हेड रूम तो भाई है, और सेकेंडरी केबिन लैंप नहीं मिलेगी यहाँ पर, एक ही मिलती है सेंट्रल में, जो कि यहाँ पर 3 ऑप्शन के साथ में ये वर्क करती है हैलोजन में। तो हैंड्रेस पे एडजस्टेबल मिल जाते हैं, पार्शियल ट्रे का ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें। चलो अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ, तो यहाँ आपको ये एक रिक्वेस्ट बटन मिल जाएगा ओपन करने के लिए, 308 लीटर का बूट स्पेस आता है, लेकिन 55 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी के साथ में आपको ये जो टैंक मिलता है, तो कुछ ये मतलब रखने की देखने की मिल जाता है, आप लगेज वगैरह थोड़ा बैकपैक वगैरह यहाँ रख लेंगे, बाकी ये मिल जाता है स्पेयर व्हील यहाँ पर जो कि बेल्ट से माउंटेड है, ठीक है, और ये कवर मिल जाता है भाई, ये चीज़ कपड़े बढ़िया भाई, बढ़िया ज़बरदस्त, ठीक है। अगर टायर गंदा भी हो तो अपना ये डगे अपने कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो पार्शियल ट्रे का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है इसमें, ठीक है, ये सिग्मा वेरिएंट है, सिग्मा वेरिएंट में पार्शियल ट्रे का कोई ऑप्शन है नहीं भाई ऐसा कोई सिस्टम, तो वैसे फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं इसमें। अब चलते हैं भाई बूट स्पेस तो हमने देख लिया है, अब चलते हैं भाई हम अपना इंजन बे की तरफ। तो दोस्तों ये मिल जाता है पूरा इंजन बे, 1.2 लीटर का ड्यूल जेट ड्यूल VVT 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि भाई जनरेट करता है अपना पेट्रोल में जनरेट करता है 89.73 PS की मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम पावर ये CNG में जनरेट करेगा अपनी 77.5 PS की, और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है अपना पेट्रोल में, और CNG में जनरेट करता है भाई 98.5
न्यूटन मीटर का। और बात करते हैं भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें बहुत अच्छी मिल जाती है भाई आपको। ये चलते हैं भाई, यहाँ मिलता है अपना फ्यूल जो कि मैंने कैप ओपन कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिल जाता है यहाँ पर, यहीं से अपना सीएनजी अपनी होगी और यहाँ से अपना पेट्रोल भी हो जाएगा। तो ये है इसका इसमें, और 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें मिल जाती है देखने के लिए। सीएनजी में इसकी एआरआई माइलेज है भाई अपनी 28 पॉइंट समथिंग, और मतलब 28 किलोमीटर पर केजी की, और पेट्रोल में ये 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर की एआरआई माइलेज जनरेट करके देगा। तो दोस्तों ये थी हमारे सामने मारुति सुजुकी नेक्सा की फ्रॉन्क्स, सिग्मा वेरिएंट खड़ा हुआ था फ्रॉन्क्स का, 8,41,500 के एक्सशोरूम प्राइस से पड़ जाएगी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपना मारुति सुजुकी नेक्सा टीआर शाने पे। बेस्ट से बेस्ट डील लेने के लिए आप जो कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूँ, आके यहाँ पर इसकी ड्राइविंग टेस्ट भी ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं बेस्ट बेस्ट डील लेने के लिए। तो ये थी एक छोटा सा इसका वॉक अराउंड रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम लोग आपके मतलब की लेके आते रहते हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो कार लेने में। तो ये थी फ्रॉन्क्स सीएनजी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।